पद्म भूषण से सम्मानित पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य महाराज के मुखारविंद से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन जिले के ग्राम बांगरेड में हो रहा है, जिसका भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ है। इस दौरान कथा को सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। देश के महान संत चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज का नीमच पर्दा अर्पण 12 मई गुरुवार को 6 बजे अंबेडकर मार्ग स्थित अन्नपूर्णा सेवा न्यास के प्रसादम भोजन सेवा प्रकल्प के अंडान बालाजी और अन्नपूर्णा मंदिर परिसर स्थित कार्यालय पर हुआ, जहां सेवा प्रकल्प से जुड़े श्रद्धालु भक्तों द्वारा शंकराचार्य का पुष्पमाला से स्वागत कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि अन्नपूर्णा न्यास सेवा प्रकल्प अन्नपूर्णा सेवा के क्षेत्र में एक महान सेवा प्रकल्प है, जो आदर्श प्रेरणादायी सम्मान योग्य है। स्वागत कार्यक्रम पश्चात जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज भादव माता के लिए प्रस्थान कर गए। उल्लेखनीय है कि वे दिल्ली से उदयपुर हवाई जहाज द्वारा पहुंचे थे, जहाँ से वे चार पहिया वाहन द्वारा नया गाँव होते हुए नीमच पहुंचे। इस अवसर पर राम भद्राचार्य महाराज के साथ यक्कर्ता महंत रामप्रिय दास महाराज, महंत रामदास त्यागी महाराज, पंडित संतोष मेहता संत उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवा प्रकल्प से जुड़े अजय भटनागर, प्रवीण आरोंदेकर, पुरुषोत्तम मिश्रा, प्रकाश मंडवारिया, वीरेंद्र जायसवाल, दिनेश शर्मा, श्याम नरेली, सुनील जैन, जीनू मेहता, संजय गोहर, दीपक मुंदड़ा श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि जावत तहसील के सर्वानिया महाराज के पास छोटे से गांव बांगरेड में 13 मई से 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन जगत गुरु संत महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। 13 से 20 मई तक श्रीमद् भागवत कथा, सदाशिव नागेश्वर मंदिर, चार भुजा मंदिर पर कलश स्थापना के साथ गौशाला निर्माण की आधारशिला रखी गई। अतिरुद्ध समन्वित 21 कुंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार 13 मई सुबह 9 बजे कलश यात्रा के साथ हुआ। 12:15 बजे गणपति स्थापना, दोपहर 3 से 7 बजे तक प्रतिदिन भंडारा आयोजित किया जाएगा। रोजाना रात 8 से 12:30 बजे तक श्रीधाम वृंदावन ब्रज की महाराज लीला का आयोजन होगा। 13 मई दोपहर 12 बजे शुक्रवार को अग्नि प्रवेश यज्ञ प्रारंभ होगा। इसके साथ ही कथा का समय हर दिन दोपहर 12 से 3 बजे तक रहेगा। कार्यक्रम की श्रृंखला में 19 मई को शिव नागेश्वर मंदिर और श्री चार भुजा मंदिर पर कलश स्थापना संत महामंडलेश्वर महापुरुषों के साथ होगी। राम भद्राजी महाराज साहब अभी दिल्ली से उदयपुर और उदयपुर से फ्लाइट से नीमच आए हैं। इनकी बांगरेड़ में पीपला राव जी के पास में भागवत कथा है 13 तारीख से 19 तारीख को। उनका हमारे सदस्यों ने वहाँ उदयपुर में भी स्वागत किया और वहाँ यहाँ अन्नदानम बालाजी के दर्शन के दृष्टिकोण से यहाँ लाए थे और महाराज साहब यहाँ आए और उन्होंने आशीर्वाद किए सभी सदस्यों को और उसके बाद भादवा माता में वो विश्राम करेंगे और बांगरेड़ में वो कथा का आयोजन रखा गया है। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में भगवत कथा का लाभ प्राप्त करें, ताकि इतने बड़े संत जिन्होंने इस राम मंदिर के निर्माण में और एक बहुत बड़ी हस्ती है अपने क्षेत्र की, भारतीय धर्मशास्त्र की, भारतीय इतिहास की, भारतीय संस्कृति की, उन सब के लाभ हमें प्राप्त करना चाहिए समय समय पे।